अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे। आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी बस दोपहर का टाइम है और स्कूल से आने के बाद बस अभी सब लोगों ने हम लोगों ने सभी ने खाना खाया है। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में बैठ गई। और आजकल तो धूप इतनी तेज आ रही है, इतनी तेज कि जरा सी देर में बिल्कुल गर्मी सी लगने लगी है। तो फिर मैं थोड़ी देर अंदर आकर बैठी और बस अभी से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है ने। और सुबह तो सच में इतनी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद आती है कि रजाई छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि सोते रहो सोते रहो। लेकिन क्या करें, हम लेडीज को उठना भी है, घर के काम भी निपटाने हैं पूरे, और फिर काम निपटाने के बाद फिर जॉब पर भी जाना है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो उठना तो यही सही। और आज सुबह के खाने में मैंने बनाए थे आलू और टमाटर। आलू टमाटर बनाकर गई थी मैं। और आजकल समझ में भी नहीं आता सब्जियों का कि क्या बनाए, वही मेथी मटर और पालक, यही सब्जियां चल रही है। तो ये सब्जियां खा खा के तो सच में बोर से हो गए, एकदम से बोरिंग सा लगता है। तो बस आलू और टमाटर बनाए थे मैंने, और मेरी नानी वाली स्टाइल से बनाए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने, सब लोगों ने अच्छी तरह से खाए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की टिकिया। तो बाजरे का आटा मेरे हस्बैंड काफी टाइम पहले लेकर आ गए थे, जब हम लोग कोटा नहीं गए थे उससे पहले लेकर आ गए थे। और बाजरे का आटा हो, मक्का का आटा हो, या ज्वार का आटा हो, ये आटे ऐसे होते हैं कि अगर इनको जल्दी यूज नहीं किया जाए तो ये खराब हो जाते हैं। इनमें जो लोच रहता है वो लोच बिल्कुल भी नहीं रहता। तो मैंने सोचा अब बना लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया उस आटे को लाए हुए। एक तो ऐसा ना हो कि वो आटा बिल्कुल ही खराब हो जाए। तो बस बाजरे की टिकिया बनाने जा रही हूँ। बाजरे की टिकिया बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। और हर बार सर्दी के मौसम में मैं जरूर बनाती हूँ, तिल के आइटम भी बनाती हूँ बनाने को तो। लेकिन इस बार तो सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कोई भी तिल का आइटम नहीं बना पाई। बस एक बार वो मूंगफली पट्टी जरूर आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके बाद सच बता रही हूँ इस बार तो इतनी सी भी कुछ भी तिल की एक भी चीज नहीं बना पाई हूँ मैं, टाइम ही नहीं मिला। शादी में इन्वॉल्व थे, फिर वहां से आने के बाद घर की साफ सफाई, बहुत सारा काम था, तो इस वजह से कुछ भी नहीं बना पाई हूँ मैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में, और आप लोगों को भी चलना है मेरे साथ किचन में, बाजरे की टिकिया शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए ये आधा किलो बाजरे का आटा है, और इसमें मैंने आधा किलो ही गुड़ यूज़ किया है। अगर आप लोग थोड़ा सा कम मीठा खाते हो तो कम मीठा बना सकते हो इसको। और इसको मैंने गरम गरम पानी में गुड़ को घोल लिया था, और यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून डाली है सफ़ेद तिल, और बाद में एक टेबल स्पून और डाल लिए थे मैंने, क्योंकि जब हम गाजरे की टिकिया बनाते हैं ना तो उसमें सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं, और तिल उसमें ज़्यादा ही होनी चाहिए। और ये बाजरे की टिकिया माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैं इसका डो बनाकर तैयार कर रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका आटा भून लिया। और बस मैं बाजरे की टिकिया बना रही थी तो पापा की भी याद आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बनाया करती थी, जैसे सर्दियाँ आया करती थी ना तो बाजरे की टिकिया बनाया करती थी। मेरे पापा की फेवरेट है बाजरे की टिकिया। तो बस इस तरह से भून कर इसकी गोल गोल हम टिकिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ज्वार और मक्का और बाजरा, इन तीनों की सच में मुझे अभी तक रोटियाँ बनाना नहीं आई हैं। मतलब मेरी मम्मी तो हाथों पर पानी लगा लगा कर इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर तैयार करती थी, और उनकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं फटती थी, इतनी अच्छी बनती थी। तो मैंने भी बहुत कोशिश की रोटियां सीखने की कि हाथों से ही मुझे बनानी आ जाए, लेकिन नहीं आई। फिर जब मेरी शादी होकर ससुराल में आई तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरी सास पॉलीथीन पर बनाती हैं रोटियाँ, यही मक्के बाजरे ज्वार की। तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी बनाती थी, पॉलीथीन पर भी नहीं फटती रोटियाँ। तो बस मैंने पॉलीथीन पर ही बनाना सीख लिया, और अब मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे हाथों से तो अभी तक भी नहीं आई। अब आप देखिए पॉलीथीन पर तो आ गई फिर भी। तो बस ये देखिए यहाँ पर ये टिकिया भी तैयार हो चुकी हैं, और बस अब हम इन्हें तेल में फ्राई करना है। तो गैस की आंच धीमी है, और ज़रा सी देर में ये बनकर तैयार हो जाती हैं, और इतनी अच्छी लगती हैं कि आप बहुत पसंद आएंगी आपकी पूरी फैमिली को, एक बार ज़रूर बनाइए। और बाजरा तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों में हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसकी रोटी भी बना के खाओ, और इसकी इस तरह से टिकियाँ भी बना कर खाओ। और अभी तो मेरे पास मक्के का आटा भी रखा है, बच्चों को ढोकले की भी याद आ रही है बहुत दिनों से कि मम्मी ढोकला कब बनाओगे, तो अब देखते हैं उसका नंबर कब आता है। बीच में मैंने रोटियाँ तो बना ली थी मक्के के आटे की एक दिन,
लेकिन अभी थोड़ा सा आटा और रखा हुआ है। तो बस ये देखिए इसी तरीके से ये बनकर तैयार होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। और देखिए बच्चों की फरमाइश रहती है तो बच्चों की फरमाइश भी हमें पूरी करनी पड़ती है, हर माँ बाप करते हैं। और देखिए बच्चे फरमाइश ही क्या करते हैं, बस खाने पीने की करते हैं कि मम्मी ये बना दो वो बना दो। तो मैं तो करती हूँ अपने बच्चों की फरमाइश पूरी। ये टिकिया बन चुकी है, टिकिया तो बन चुकी है, लेकिन बाजरे की टिकिया हम लोग अभी नहीं खाएंगे, हम लोग खाएंगे ठंडी होने के बाद। ठंडी होने के बाद बाजरे की टिकिया एकदम मस्त लगती है। और ये देखिए हम लोग तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और रिदा भी तैयार है। रिदा कंप्लीट हो ना बेटा? बिल्कुल। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज रिदा कुछ शॉपिंग कराने ले जा रही है मुझे। अब वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, जब हम लोग मार्केट निकलेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या शॉपिंग करा रही है रिदा। और ये देखिए आज मैंने पहना है ये वाला गाउन। तो ये गाउन अंदर अस्तर भी है इसमें और मोटा भी है, इसमें सर्दी नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा यही गाउन पहनकर चलते हैं मार्केट। और मैंने शॉल भी रख रखा है स्कूटी में कि उधर से लौटते हुए आएंगे तभी सर्दी लगेगी, वैसे अभी तो नहीं लगेगी क्योंकि अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप निकल रही है, लौटते टाइम लगेगी, तब शॉल डाल लूंगी बाद में। रिदा आ जा बेटा, कंप्लीट हो चुकी है देखिए रिदा भी। तो बस अब हम लोग निकलेंगे मार्केट। हाय। हाँ रिदा भी कंप्लीट है, तैयार है। तो आज की शॉपिंग माँ बेटी की, मतलब रिदा ही करवाएगी शॉपिंग, तो देखते हैं रिदा क्या शॉपिंग करवाती है। चलिए तो ठीक है, चलते हैं मार्केट, आप लोग भी चलिए मेरे साथ मार्केट। तो बस मैं और रिदा हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, और ये जो मार्केट की क्लिप बना रही है वो रिदा ही बना रही है। कितना बड़ा है भैया ये? ये 6.5 बाई 9 का। 6.5 बाई 9 देखना रिदा। तो ये देखिए रिदा दिलाने लाई है मुझे मार्केट में कालीन। और बहुत दिनों से पीछे लग रही थी रिदा कि मम्मी ज़्यादातर घरों में कालीन रहता है और कमरे की लुकिंग बहुत अच्छी लगती है कालीन से, तो मैं भी सोच रही थी कालीन लेने का। और हमारे इधर फेरी वाले आते हैं बहुत सारे, तो उनके पास भी मैंने देखे, लेकिन उनके कालीन बहुत पतले रहते हैं और साथ में पतले रहने के साथ रेट भी वो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई बताते हैं, तो इस वजह से मैं टाल रही थी इतने दिनों से। मैंने सोचा था मार्केट जाएंगे कभी तो ले लेंगे, लेकिन आज तो रिदा ने सच में पीछा ही ले लिया कि नहीं मम्मी आप तो आज ही चलो, मैं दिला के लाऊंगी कालीन आपको और अपनी पसंद का दिला के लाऊंगी। तो कालीन देखते देखते वो इधर पर्दे भी देखने लगी कि मम्मी अपने एक दो रूम ऐसे हैं जिसमें पर्दे नहीं हैं, तो ज़रूरत भी है पर्दे भी देख लेते हैं, तो दोनों चीज़ें देखने लगी। और आप लोग भी देख लीजिए कालीन, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कालीन हैं, और 1600 से रेट स्टार्ट है इसकी कालीन की। 1600 है, 1650 है, फिर 1700 है, फिर 1750 है, मतलब 2100 तक की रेट बताई भैया ने। फिर उन्होंने कहा दीदी आप तो हमारे परमानेंट ग्राहक हो, आप तो हमारे यहाँ आते रहते हो, क्योंकि मैं बेडशीट है, पिलो कवर है, कुछ भी हो इन्हीं भैया की शॉप से लेती हूँ, कि आपको तो मैं रेट लगा दूंगा, फिर भी देख लीजिए आप। तो बस यहाँ से हमने कालीन पसंद किया, और कालीन माशाल्लाह रिदा की पसंद का है, मेरी पसंद का नहीं है, मुझे तो दूसरा कालीन पसंद आ रहा था यहाँ पर। तो बस ये लिया कालीन, और उसके बाद फिर रास्ते में रिदा ने कहा कि मम्मी चाउमीन ले लो, तो बस मैंने चाउमीन की कह दिया भैया से चाउमीन पैक कर दो। तो यहीं पर एक बच्चा खड़ा था, बच्चे ने आकर कहा कि मुझे भी चाउमीन खानी है। अब देखिए खाने पीने की चीज़ें, कोई भी बच्चा हो इस तरीके से खड़ा हो और फिर मुझसे कुछ मांग रहा हो तो मुझे देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने फटाफट से भैया से कहा कि भैया एक प्लेट चाउमीन इस बच्चे को भी दे दो, तो बस एक प्लेट चाउमीन उस बच्चे को भी दिला दी, और दो प्लेट इधर घर के लिए पैक करा ली थी अली और रिदा के लिए, अली और रिदा खा लेंगे दोनों, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर आती हूँ खाने पीने का कुछ भी। और बस अब ये चाउमीन पैक कराने के बाद अब हम लोग घर जाएंगे मैं और रिदा, क्योंकि शाम हो चुकी है, आज कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई, आप लोगों ने देखा सिर्फ कालीन की शॉपिंग हुई है, लेकिन कालीन की शॉपिंग भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी शॉपिंग है हमारे लिए। तो बस अब निकल रहे हैं घर पर, हो चुकी है पैक चाउमीन, और ये श्रीनाथ वाले की चाउमीन बहुत फेमस है हमारे यहाँ बारा की, तो हम लोग जब भी लेकर आते हैं तो इन्हीं की लेकर आते हैं। वैसे मैं घर में भी बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ हर कभी, तो बच्चे घर पर भी खाते रहते हैं, लेकिन फेमस तो इन्हीं की है, तो इन्हीं के छोले भटूरे भी फेमस हैं, पाव भाजी भी बहुत फेमस है श्रीनाथ वाले की, तो बस इन्हीं के यहाँ से लाते हैं। और बस यहाँ पर बच्चों ने गर्मा गर्म चाउमीन खाई, चाउमीन खाने के बाद फिर मुझे खाना वाना बनाना था, खाना वाना बनाने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग कौन सा कालीन लेकर आए हैं, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि आपने शेयर तो किया नहीं, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ तब
मार्केट जाने के बाद अगर कोई चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती तो फटाफट से आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि शाइना बाजी आपने दिखाया तो नहीं, हम लोग के साथ शेयर नहीं किया कि क्या आप लेकर आई हो। तो ये देखिए ये वाला कालीन हमारी दीदा की पसंद का है, मेरी पसंद का नहीं, मुझे दूसरा पसंद आ रहा था। तो कैसा लग रहा है, और देखिए कमरे की लुक ही एकदम से चेंज हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तो मैं इसे थोड़ी देर तक ही बिछा कर रखूँगी, फिर हटा लूँगी क्योंकि गंदा हो जाएगा। देखिए मेहमान वगैरह आ जाते हैं जब भी अच्छा लगता है कालीन, तो फिर हमारे क्या है बच्चों वाला घर भी है और यहाँ पर ओडी टिंकल स्नोबी भी है, वो भी कूदेंगे कालीन पर तो गंदा तो थोड़ा हो ही जाएगा, इसलिए मैं हटा लूँगी इसे। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है कालीन बिछाने के बाद, और कमरे का लुक माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के कई लोगों की कमेंट आ रहे हैं इस तरीके के कि आप रोज़ व्लॉग डालें, शाइना भी आजकल आप रोज़ व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं, हम लोग आपको मिस कर रहे हैं। और सच में मैंने भी शादी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया था क्योंकि मुझे भी आदत है रोज़ आप लोगों को अपना व्लॉग देने की, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि अभी अभी तो मैं शादी से आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे वहाँ से आई हुई है। और फिर वहाँ से आने के बाद देखिए थकान भी रहती है, घर के काम भी रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि कपड़े ही दो बैग भर कर हो गए थे, तो कपड़े भी धोने थे और उन पर प्रेस करके भी रखना था, और फिर बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, तो इस वजह से बिजी भी चल रही थी मैं अभी, स्कूल भी आप लोगों को पता है, तो इस वजह से मैं रोज़ आप लोगों को व्लॉग नहीं दे पा रही थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रोज़ व्लॉग दूँ। और कल संडे कमेंट में मेरा एक कमेंट था गोल्ड वाला, जिसमें मैंने ये कहा था कि गोल्ड पहनने का अभी ज़माना नहीं है, इससे मेरा मतलब कई लोगों ने कुछ गलत मतलब ले लिया इसका। तो देखिए इसका मतलब ये था, मैंने मतलब जो कमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था उसका ये था कि अभी गोल्ड पहनने का ज़माना नहीं है। इससे मैं ये कहना चाहती थी कि सच में ज़माना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है आजकल ऐसे केस हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि कोई भी लेडीज़ अकेले दुकेले जाती है, गोल्ड की चेन पहन रखी है तो गोल्ड की चेन खींच के ले जाते हैं, और कानों के ईयर रिंग्स गोल्ड के पहन रखे हैं तो वो भी ले जाते हैं खींच के, तो मतलब ऐसे केस सामने आ रहे हैं। तो इससे मेरा मतलब यही था, ये नहीं था कि आप गोल्ड मत पहनो, पहनो आप लोगों के पास है, अगर आप पहनना चाहते हो तो पहनो, गोल्ड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, गोल्ड कितने मायने रखता है। लेकिन बस मेरा मतलब यही था कहने का। देखिए और एक दूसरी बात ये भी है कि शादी ब्याह में हम गोल्ड के सामान ले भी जाते हैं, तो ले जाने के बाद कई बार हमारी कोई सामान गुम हो गया, गिर गए कोई भी चीज़, गोल्ड की रिंग गिर गई, ईयर रिंग्स गिर गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर देखिए सबकी मेहनत पसीने की कमाई होती है, सभी बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोगों को पता है पैसा ऐसे ही नहीं आता, पैसा पेड़ पर थूकता नहीं है, हम कितनी मेहनत करते हैं तब हम गोल्ड की चीज़ बनवा पाते हैं। और आज के टाइम पर गोल्ड कितना महंगा हो गया, मतलब गोल्ड बनवाना यो ही नहीं है, हंसी मजाक नहीं है बहुत। तो बस यही था मेरा मतलब उन सबसे कहने से। तो कल मैंने कमेंट पढ़े आप लोगों के, तो काफ़ी कुछ लोगों ने गलत ले लिया है उस चीज़ को, तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से कहने का ये मतलब नहीं था गोल्ड को लेकर, के पास है तो आप पहनिए, अपने शौक पूरा कीजिए, मैंने भी किए, मैं भी शादी में गई थी तो वहाँ भी मैंने एक दो सेट ले गई थी, वो मैंने पहने, तो बस यही कंफ्यूजन मैं आप लोगों को दूर करना चाह रही थी। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और बस स्कूल से आने के बाद कुछ और मेरे जो काम है वो काम करूँगी मैं, मैंने सोचा पहले ब्लॉग पूरा कर देते हैं, ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और रिदा की पसंद का जो कालीन है वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और बाजरे की जो टिक्की आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो भी आप ज़रूर बनाकर देखिए, फिर बताइए कि कैसी बनी। तो बस इसी के साथ आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, हम सभी को दुआओं में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।